हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक से हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ सोयाबीन के बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल फटाफट से बनने वाले पराठों की रेसिपी। तो जैसे कि आप नज़र डाल सकते हैं कि आज के जो पराठे हैं उनकी स्टफिंग कितनी मज़ेदार है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इन्हें स्टफ़ किया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए अपनी आज की ये ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन और उसमें डाल दिया है पानी। तो इसे थोड़ा सा पहले गर्म होने देना है, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे सोयाबीन। तो यहाँ मैं पानी के साथ ही डाल देती हूँ सोयाबीन। लगभग एक मीडियम साइज की कटोरी का इस्तेमाल किया है मैंने सोयाबीन का। अब इसे उबाल आने तक इसे अच्छे से उबलने देना है। तो आप देख सकते हैं कि सोयाबीन में उबाल आ चुका है और लगभग इसे उबाल आते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं करती हूँ फ्लेम को टर्न ऑफ और इसे पानी से निकाल कर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो सोयाबीन है वो अच्छे से आप देख सकते हैं ठंडी हो गई है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ कर दोबारा से मिक्सर जार में डालकर पीस लेती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर सोयाबीन को डाल लिया है ग्लास जार में। अब इन्हें सबसे पहले तो पीस लेती हूँ मैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोयाबीन को मैंने बारीक करके पीस लिया है और ये बहुत ही अच्छे से बारीक तरीके से श्रेडेड हो गए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पे रख लिया है पैन। सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल। आपको लगभग 2-3 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। तो ऑयल यहाँ पर मैंने डाल दिया है, इसे अच्छे से सबसे पहले गर्म कर लेना है। तो ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 1 मीडियम साइज की बारीक चौपकी हुई प्याज। और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन कर लेना, तो चलिए यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ स्पाइसेस। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लगभग 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैं डाल देती हूँ लगभग 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप अगर कोई मसाला नहीं है तो आप नॉनवेज मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है आप सभी को। यहाँ पर मैंने डाल दिया लगभग 1/4 टीस्पून चिकन पेरी पेरी मसाला, इससे इसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेना। तो यहाँ पर सोयाबीन को अच्छे से पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, प्लस ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया, मसालों का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसमें आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लोई को लेकर इस तरह से थोड़ा सा हाथों की मदद से चपटा कर लिया है। बेलन की मदद से इसे थोड़ा सा हमें बेल लेना है। तो अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ सोयाबीन जो भी मैंने बनाकर तैयार की है। ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है इसे, और डालने के बाद अब इसे अच्छे से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए एक छोटी सी पोटली बना लेना है हमें। इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथ से आपको इसे बना लेना है। और इसे अब हमें अच्छे से पैक करना है। अब यहाँ पर मैंने हल्के हाथ से आटा लगा दिया है और सबसे पहले तो मैं इसे टैप कर लेती हूँ इस तरह से। अब इसे बेलन की मदद से बेलना शुरू करना है, लेकिन हल्के हाथ से ही आपको बेलना है ताकि आपका जो पराठा है वो फटे नहीं, और प्लस आपको बहुत ज्यादा बड़े साइज का पराठा नहीं बेलना है। तो यहाँ पर पराठे को मैंने बेल दिया है। तो चलिए सबसे पहले तो इसे डालते हैं पैन के ऊपर। प्री हीट पर मैंने पैन को गर्म कर लिया था। अब इसे थोड़ा सा कुक होने के बाद ही फ्लिप करना है। इसी बीच में बाकी पराठों को स्टफ कर लेती हूँ। यहाँ पर पराठे को कुछ सेकंड तक एक तरफ से मैंने कुक कर लिया है। इसे हल्के हाथ से ही फ्लिप करना है। इस तरह से अच्छे से मैं पराठे के ऊपर ऑयल ग्रीस कर देना है।
अब हल्के ही हाथ से पराठे को फ्लिप कर लेना। अब ऊपरी तरफ पे भी मैं पराठे के ऑयल लगा देती हूँ और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, इससे हमारे जो पराठे हैं वो मुलायम और बहुत ही जबरदस्त, मतलब ठंडे होने के बाद भी मुलायम रहते हैं। सिक्को को गुनने देना है अभी हमें। इसी बीच में एक और पराठे की स्टफिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पराठे को बेल लिया है थोड़ा सा और अब यहाँ पर मैंने जो सोयाबीन अभी तैयार की थी इसे डाल देना है पराठे के ऊपर और अब इसे हमें फोल्ड करना है अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा पैक कर लेना है, पोटली की तरह बना लेना इसे। तो अब हमें फिर से इसे हल्के हाथ से बेल लेना है बेलन की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पराठा है वो अच्छे से कुक हो रहा है, जो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। इसे अच्छे तरह से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारे किनारों से ऊपर नीचे अच्छे से कुक कर लेना है क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पर मैंने पराठे को कुक कर लिया है, अब मैं इसे उतार लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त तरीके से अच्छे से कुक हो चुका है। और अब मैं इसी पैन पर डाल देती हूँ दूसरा पराठा जो भी मैंने बेल कर तैयार किया है, इसे भी हमें दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इस पराठे को भी अच्छे से कुक कर लेना है, थोड़ा सा इसे गोल्डन करके कुक करना है, दोनों तरफ से अच्छे से हमें पराठे को कुक करना है। मीडियम फ्लेम पर ही पराठों को हमें कुक करना है ताकि अच्छे से वो कुक हो जाए और उसमें क्रिस्प भी बना रहे और थोड़े से मुलायम भी बने रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के ये ज़बरदस्त सोयाबीन के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी बने और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो चलिए एक बार आप सभी को इसकी फिलिंग दिखाती हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने की है और इसमें बहुत ही अच्छे से उसका टेस्ट है, फ्लेवर है। तो चलिए देखते हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी स्टफिंग की गई है और पूरे पराठे पर बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से सोयाबीन की स्टफिंग है जो कि हमने तैयार की थी, इसकी एक चटपटी सी स्टफिंग। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन।